तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नोएडा वाला राइडर में। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे मौज दे रहे होंगे। शाम के बज रहे हैं 6 और आज हम देखेंगे कि ऑफिस के आने के बाद हम लोग कितना कमा सकते हैं। बैटरी हमारी है अभी 54%, देखते हैं आज किसको बैटरी जब तक डाउन नहीं होगी तब तक चलाएंगे। आज हमारे पास आज की पहली राइड आ चुकी है जो कि आई है इन ड्राइव पे, गाजियाबाद की राइड है और पिकअप है लगभग 2.5 किलोमीटर से। तो चलो दोस्तों चलते हैं इनको पिक करने के लिए और पिक करने के बाद आपसे मिलते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों लोकेशन पे तो पहुंच गया हूं मैं। एक बार क्या नाम है इनका, तरनजोत, एक बार इनको कॉल कर। हाँ जी मैम, मैं लोकेशन पे हूँ। ठीक है मैम, आ जाइए। ओके तो मैडम बोल रहे हैं 1 मिनट में आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आप लोगों के सजेशंस और आप लोगों के फीडबैक के बिहाफ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी वीडियोस को और इम्प्रूव करने का। आप लोग मुझे ऐसे ही अपने भाई को, अपने छोटे भाई को ऐसे ही सजेशंस फीडबैक देते रहें जिससे कि मैं अपने आप को, अपनी वीडियो को और इम्प्रूव करूँ। थोड़ी दूर रह गया हूँ मैं, तो थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट और चाहिए जिससे कि मैं एक पहला अचीवमेंट को पा सकूँ और उसके बाद फर्दर आगे बढ़ सकूँ। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे भाइयों जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ तो प्लीज़ शेयर करें जिससे कि और लोग सब्सक्राइब करें और मुझे हिम्मत दें, मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। तो दोस्तों इस वीडियो में अमाउंट दिखा रहा है 100 रुपये। तो 100 का मतलब लगभग ये राइड होगी 18 किलोमीटर के आसपास की राइड ये होनी चाहिए क्योंकि इन ड्राइव पे है और इन ड्राइव वो देता है 6 रुपये के आसपास। अब एक बार मैडम आए तो उसके बाद हम स्टार्ट राइड करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। आज 53% बैटरी है हमारी अभी और जब तक डाउन नहीं होगी तब तक आज रोड पर रहेंगे और देखते हैं हम कितना चला पाते हैं आज और कितना अर्न कर पाते हैं 50% बैटरी के साथ ओला एसन प्रो को चला के। तो दोस्तों मैडम को हमने पिक कर लिया है और एक बार अब स्टार्ट राइड करते हैं और देखते हैं एग्जैक्ट कितने किलोमीटर की राइड ये है हमारे पास जो इन ड्राइव पे है और जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों 16 किलोमीटर की राइड है, चलिए शुरू करते हैं। ओके तो दोस्तों इसी के साथ हमने राइड कंप्लीट कर दी अपनी और 100 रुपये हमने कलेक्ट कर लिए मैम से। तो 16 किलोमीटर दिखा रहा था वही 16.5 किलोमीटर के आसपास ही हमको पड़ा है। हमारे पास भी एक और राइड आ चुकी है जो कि आई है रैपिडो पे, गाजियाबाद की राइड है। मैंने एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं देखा, 660 मीटर से पिकअप दिखा रहा है। एक बार देखते हैं एग्जैक्ट पिकअप कितने मीटर से दिखा रहा है ये, 1.2 किलोमीटर से पिकअप है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। एक बार फटाफट से पिक कर लेते हैं इनको, हेड नॉर्थ देन टर्न लेफ्ट। चलिए दोस्तों पिक करते हैं फटाफट इनको और पहुँचते हैं पिकअप लोकेशन पे, लेट्स गो। लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, कॉल आ रहा है, एक बार रिसीव कर लेता हूँ, शायद इन्हीं का ही कॉल है। ओके दोस्तों तो कस्टमर मिल गए हमको, एक बार ओटीपी डाल के स्टार्ट करते हैं। एक बार ओटीपी देना भैया, क्या ओटीपी देना, ओटीपी 8636 भैया, यहाँ मोड़ लीजिए, यहाँ से जाना है मुझे। कोई बात नहीं मोड़ लेता हूँ, हेलमेट ले लीजिए। हाँ हेलमेट दे दो, बोलो। दादा फिर भी खड़े है ना कहीं ना कहीं। अरे ना यार, ये बगल में घर है इनका, ये चलते नहीं है डॉक्टर साहब यार। कोई बात नहीं बैठ जाओ, हेलमेट की क्या जरूरत है, यहाँ तक जाना ही नहीं है बगल में। काम कहीं भी खड़े हो जाते ना दिक्कत ही है, जरा सा उसमें 1 मिनट की लापरवाही में दिक्कत हो जाए। तो दोस्तों हमने राइड भी कम्प्लीट कर दी है, छोटी सी थी 950 मीटर की और राइड में हमको मिले कितने, 15 रुपए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और टाइम हो रहा है 7:05, अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट राइड कहाँ की आती है, राइड आने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। दोस्तों ये राइड कमाल की थी, 1.5 किलोमीटर का पिकअप था और 950 मीटर की राइड थी। बट कोई नहीं, ठीक है 15 रुपये हमें मिले इसमें और अभी देखते हैं हमारे पास अब राइड कहाँ पर आती है। बाकी कैप में भी ऑन ड्यूटी तो हो गया हूँ मैं। तो दोस्तों बड़ा छोटी सी राइड थी ये, लेकिन क्या है सर को थोड़ा डर लगता है, बता रहे थे मुझे ना कुत्तों से डर लगता है और यहाँ पर रास्ते में कुत्ते होते हैं बहुत ज़्यादा, कुत्ते ज़रा तो मुझे बहुत लगता है यार सच में। तो कह रहे थे इसीलिए मैं ना रैपिडो या बुक कर लेता हूँ। तो वैसे तो छोटा सा रास्ता है लेकिन मुझे डर लगता है इसलिए मैं बुक कर लेता हूँ, तो ऐसे करके मेरा हो जाता है काम, वरना कुत्ते कुत्ते ज़रा हमें काट लेंगे। और पेशे से वो मतलब डॉक्टर थे, हॉस्पिटल के बाहर से उनको पिक किया था मैंने, पेशे से वो डॉक्टर हैं लेकिन कुत्ते से बहुत डरते हैं और डरना भी चाहिए यार, कुत्तों का पता नहीं, कुछ पता नहीं होता, जंगली कुत्ते रोड के कुत्ते हैं उनको पता नहीं है कब किस समय किसको क्या करते हैं, मेरी बहुत
मतलब डर लगता है यार मुझे भी, बट कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। फिलहाल तो हम गाज़ियाबाद में हैं, कभी नगर में, और वेट कर रहे हैं अपनी आज की थर्ड राइड का। ये देखिए ओला का दर्शन कराते हैं आपको, ओला पे भी ऑन ड्यूटी हैं, ओला रैपिडो और इन ड्राइव दोनों पे, तीनों पे ही ऑन ड्यूटी हूँ फिलहाल तो मैं। और अब देखते हैं हमारे पास अगली राइड कौन सी ऐप पे आती है और कितनी देर में आती है। 6 बजे शुरू की थी जर्नी हमने आज, और अभी तक 2 राइड कम्प्लीट करी है, 100 रुपये की और 1 15 रुपये की। वेट करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट राइड आने के बाद। ओहो दोस्तों, फाइनली आज हो रहा है ओला का उद्घाटन और हमारे पास आ चुकी है ओला की एक राइड जो कि काफी सालों के बाद आई है। आई वुड से पिकअप कितनी दूर से दिखा रहा है एक बार देख लेते हैं और चलते हैं ओला की राइड। तो भैया हम तो बरसों से इंतजार कर रहे हैं ओला की राइड आए और हम ओला की राइड कंप्लीट करें, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कितने दूर से पिकअप दिखा रहा है। लोकल गाज़ियाबाद की ही राइड है, मेरे साथ ज़्यादा लंबी तो नहीं है, 2-4 किलोमीटर की होगी है जितना मुझे मैप पे देखने से लग रहा है। बाकी एक बार देखते हैं पहुँच के कि कितना टाइम लगता है हमको। दोस्तों पिकअप तो बहुत लंबा है यार, 3.4, 3.5 किलोमीटर से पिकअप है ओला का, भाई साहब। चलो चलते हैं यार पिकअप पे, लेट्स गो। दोस्तों ऐसे यार कस्टमर है, इनको गाली निकलती है मेरे मुंह में से, आप बताओ। देखो मैं ऑलरेडी 1.5 किलोमीटर आ चुका हूँ पिकअप पे और इसने कैंसिल कर दिया राइड। ये क्या समझते हैं अपने आप को साले, समझ में नहीं आता मुझे इनको, इन जैसे कस्टमर। और आप दूसरे का टाइम अपना दोनों का टाइम वेस्ट करते हैं। मैं ऑलरेडी आधी रास्ता आ चुका हूँ, 3.5 किलोमीटर थी, 2 किलोमीटर रह गया। देखिए 1.5 किलोमीटर आ भी चुका हूँ मैं और उसने कैंसिल कर दिया राइड। कि मैसेज में बोल दिया, फोन पे बोल दिया, ऑन द वे हूँ, रास्ते में हूँ। जो टाइम लग रहा है रोड पे यार, प्रकट थोड़ा ना हो जाऊंगा या मैं यहाँ से उड़ के जाऊंगा। फ्लाइट है, फ्लाइट पे फ्लाइट बुक करिए क्या सारा 20-50 रुपये में? समझते हैं कि हम लोगों ने एरोप्लेन बुक करा है, उड़ के आ जाएगा हमारे पास। बाइक बुक करिए यार, रोड पे हूँ, रोड पे तरीके से आ जाएगा यार। बड़े ही गंदे लोग होते हैं यार ये, सीरियसली मूड खराब कर दिया फालतू में यार, टाइम वेस्ट करो तो अलग 15-20 मिनट। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अब ठीक है यार, मूड दिमाग तो अपसेट ने कर ही दिया। एक बार बाकी के ऐप पे भी ऑन ड्यूटी हो जाता हूँ मैं फालतू में, जहाँ मैं रैपिडो के उसमें था, जो उनका जोन क्या बोलते हैं उसको यार, हाई डिमांड जोन, रैपिडो के हाई डिमांड जोन में था मैं। साला इसके चक्कर वहाँ से आ गया मैं 1.5 किलोमीटर आगे, इसने भी कैंसिल कर दिया यार। छोड़ो यार, अब देख रहा हूँ और थोड़ी देर, दिमाग बहुत अपसेट कर दिया इसने यार। देखता हूँ कुछ और कहीं पे कुछ आता है तो थोड़ी देर और देखता हूँ यार। राइट दिखा रहा है हमारे पास इन ड्राइव पे, नंदग्राम ना, पता नहीं पूरा पढ़ने में तो आवाज नहीं आ रही है, लेकिन एक्सेप्ट हो चुकी है फिलहाल तो। 70 रुपये की राइड है, पिकअप है 2.5 किलोमीटर से दिखा रहा है, 2.6 किलोमीटर से पिकअप है दोस्तों, और कैंसिल कर दिया। ठीक है, सारे मुझे ही मिलने हैं क्या आज ऐसे अनोखे? चाहते क्या है, बंद कर दूं घर चला जाऊं, यही चाहते हैं मुझे लग रहा है ये। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 7:41, हम लोगों ने 6-10 के आसपास शुरू करी थी आज जर्नी, 1.5 घंटा हो गया और 7 बजे तक हमने 2 राइड, 7-10 तक हम लोगों ने 2 राइड कंप्लीट भी कर दी थी, 100 रुपये की और 1 15 रुपये की। उसके बाद से राइड आई है और कैंसिल हुई है, तो फिलहाल तो हमें कुछ मिला नहीं है अभी तक, लगभग हमको 1/2 घंटा हो चुका है खड़े हुए। और बैटरी तो ठीक है मेरे पास अभी 34%, तो अगर आएगी राइड तो 1-2 राइड कर सकते हैं हम, लंबी राइड भी आएगी तब भी वो भी कर सकते हैं, इतना हमारे पास बैकअप है अभी। लेकिन कुछ आ नहीं रहा है तो यहाँ पे अब टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। मैं दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, थोड़ी छोटी वीडियो है ये, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट हाँ अगली वीडियो बड़ी आएगी और लंबी आएगी। ये वीडियो थोड़ी सी स्पेसिफिक है, थोड़ा अलग है। ये वीडियो में ये है कि ऑफिस से निकलने के बाद भी हम लोग कमा सकते हैं अगर कमाना चाहते हैं तो, किसी के पास अगर 2-व्हीलर है और वो ऑफिस जाता है उससे, तो ऑफिस से आने समय और ऑफिस से जाते समय भी कमा सकता है। अपना बाइक का खर्चा, अपने स्कूटर का खर्चा निकाल सकता है वो ये पार्ट टाइम करके। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही।
हमने आज 1.5 घंटा स्कूटर चलाया है और 115 रुपये कमाए हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।